दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। कौन सी एक्ट्रेस करेंगी दिव्या भारती को रिप्लेस? कब होगी फिल्म की शूटिंग शुरू? क्या 90s की कहानी सुनेगी 2022 की ऑडियंस? 1992 में आई फिल्म बलवान एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी थी जिसको गलत तरीके से मर्डर के केस में फंसा दिया जाता है। ये फिल्म हर उस 90s की मूवी की तरह है जिसमें एक ईमानदार आदमी के साथ कुछ गलत होता है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा कमाल नहीं दिखाया था, पर इसी फिल्म से सुनील शेट्टी का टॉल डार्क और हैंडसम हीरो वाला लुक सबको पसंद आया था। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट दिव्या भारती जी ने काम किया था और फिल्म में विलन का रोल डैनी डंजोक्पा और टीनू आनंद जैसे लेजेंडरी एक्टर्स ने निभाया था। दिव्या भारती जो इस फिल्म में प्रिया का किरदार निभाती हैं, उनकी मृत्यु असल जीवन में 1993 में ही हो गई थी दोस्तों। उन्होंने विश्व आत्मा, शोला और शबनम और दीवाना जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम भी किया था, इसीलिए ऐसी एक्ट्रेस को रिप्लेस कर पाना बलवान 2 के मेकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसे में एक्ट्रेस रकुल प्रीत का नाम सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों। रकुल प्रीत सिंह तमिल और तेलुगु एक्ट्रेस हैं जो अब हिंदी मूवीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रही हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा दे दे प्यार दे और रनवे 34 जैसी मूवीज़ में काम करके मनवाया है। माना जा सकता है कि रकुल प्रीत इस फिल्म के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस साबित होंगी। फिल्म के मेकर्स की माने तो फिल्म अभी भी राइटिंग प्रोसेस में ही है। इसके अलावा कई चीज़ों पर अभी मोहर लगवानी बाकी रह गई है, इसलिए फिल्म की शूटिंग 2023 के आखिर या 2024 की शुरुआत में ही शुरू की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि फिल्म में दो लीड एक्ट्रेसेस का रोल भी हो सकता है, जिसके चलते कियारा आडवाणी को भी अप्रोच किया जाया है। इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म के राइटर्स फिल्म को एक नए रूप से प्रेजेंट करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आज की ऑडियंस और 90s की ऑडियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 90s की ऑडियंस हर फ्राइडे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर जाया करती थी। उस समय थिएटर जाना और बड़े पर्दे पर फिल्म देखना अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस माना जाता था, पर आज ये आम बात है। इसलिए अब ऑडियंस अपना कीमती समय निकाल कर अगर थिएटर जाती है तो उनके एक्सपेक्टेशंस फिल्म से बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। 90s की ऑडियंस को केवल कहानी और हीरो हीरोइन से मतलब हुआ करता था, जबकि आज की ऑडियंस सिनेमाटोग्राफी, एक्शन और इमोशन सबसे पहले ट्रेलर में ही एक्टिंग की गहराई की जांच कर लेती है। इन सब के बाद भी थिएटर में घुसने से पहले और टिकट खरीदने से पहले फिल्म की रेटिंग और रिव्यूज़ भी अच्छे से चेक करके जाती है। तो आज की ऑडियंस अगर इतनी टेक सैवी है तो मेकर्स को भी कुछ अलग और हटकर ही दिखाना होगा। तो क्या बलवान 2 के मेकर्स कर पाएंगे कुछ ऐसा अलग? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए।